हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर खुशबूस वाइटल केयर। दोस्तों, क्या आपको या आपके किसी रिलेटिव्स को स्टेयर्स क्लाइंब करने में या मॉर्निंग में उठकर चलने में या बॉटल की कैप और लिड ओपन करने में जॉइंट पेन कभी महसूस होता है? ये जॉइंट पेन आर्थराइटिस हो सकता है। दोस्तों, आर्थराइटिस को अगर राइट टाइम पर डायग्नोस कर लिया जाए, उसके लिए सही प्रिकॉशंस लिए जाएँ और उसका सही ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसकी प्रोग्रेस को बहुत हद तक रोका जा सकता है, उसके इफेक्ट को कम किया जा सकता है। सो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ आर्थराइटिस अपीयर्स टू बी अ की हियर। बट हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जॉइंट पेन आर्थराइटिस है या नहीं? ऐसे कई लोग हैं जो दर्द सहते रहते हैं और उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि वे आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं। किसी भी प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, हमारा आज का वीडियो जॉइंट पेन और आर्थराइटिस पे डेडिकेटेड है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आर्थराइटिस क्या होता है, इसके हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स मिलते हैं, इसके कॉमन टाइप्स क्या हैं, और जानेंगे कुछ बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जिनसे आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको सही तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। दोस्तों, गठिया कई प्रकार के होते हैं। गठिया को अंग्रेजी में आर्थराइटिस भी कहा जाता है, जिसका मतलब है एक या एक से ज़्यादा जोड़ों में दर्द, सूजन और जकड़न होना। लेकिन जोड़ का मतलब क्या है? जोड़ वो होता है जहाँ दो हड्डियाँ आपस में मिलती हैं। जैसे हमारे बाजू की ये हड्डी हमारे फोर आर्म की हड्डी से यहाँ पर आकर मिलती है, इसे हम कोहनी या एल्बो जॉइंट कहते हैं। आर्थराइटिस हमेशा ऐसे ही जोड़ों पर होता है। ये हड्डियों के किसी भी जोड़ में हो सकता है, जैसे कि फिंगर्स, रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट एक्सेट्रा। आर्थराइटिस में अफेक्टेड जॉइंट में पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस, स्टिफनेस और मूवमेंट में रेस्ट्रिक्शन जैसे सिम्टम्स मिलते हैं। कई बार मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि क्या हमें गठिया तो नहीं हो गया है, बट आई थिंक उनका ये कंसर्न होना चाहिए कि हमें किस प्रकार का गठिया हुआ है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के गठिया के अलग लक्षण होते हैं और उनका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। अब चलिए जानते हैं कि आर्थराइटिस के हाई रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट इज फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स में किसी को आर्थराइटिस है, तो आपको हेरिडिटरी कॉज की वजह से आर्थराइटिस होने की काफ़ी संभावना है। सेकेंड फैक्टर इज एज। बढ़ती उम्र के साथ आर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर इज जेंडर। फीमेल्स में आर्थराइटिस होने की प्रोबेबिलिटी मेल्स के कंपैरिजन ज़्यादा होती है। फोर्थ इज प्रीवियस जॉइंट इंजरी। यदि कोई खेल खेलते हुए या किसी एक्सीडेंट के दौरान या किसी और कारण से कभी अगर आपके जॉइंट में चोट लगी हो, तो उस जॉइंट में फ्यूचर में आर्थराइटिस डेवलप हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज ओबेसिटी। मोटापा या ज़्यादा वजन पैरों के जॉइंट्स पर प्रेशर डालता है, इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। एंड द लास्ट फैक्टर इज ओवर यूज ऑफ जॉइंट। कई बार हमारा काम या हमारी लाइफस्टाइल किसी एक जॉइंट का यूज बढ़ा देती है, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन में होता है। अगर किसी जॉइंट का एक्सेसिव मूवमेंट किया जाता हो, तो उस जॉइंट में आर्थराइटिस हो सकता है। दोस्तों, आज मैं आपको 5 कॉमन टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस को एजिंग रिलेटेड आर्थराइटिस भी कहते हैं। ये एज के साथ होने वाला गठिया है। इसमें जो जॉइंट्स के बीच में कार्टिलेज की गद्दी होती है या जॉइंट्स के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड यानी ग्रीस होता है, उसकी कमी से होने वाले आर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये नॉर्मली 50-60 ईयर्स ऑफ एज के बाद स्टार्ट होता है और इसके अंदर जो जॉइंट सबसे ज़्यादा सबसे कॉमनली अफेक्टेड होते हैं, वो हैं नी जॉइंट, हिप जॉइंट या फिर हाथ में अंगूठे के बेस पे, यानी कि यहाँ पे। ये वो जॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। नीज़ और हिप पे हमारा हमेशा वेट रहता है और हाथ में अंगूठे के ये जॉइंट जो अंगूठे के बेस पे है, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इसीलिए ओवर यूज़ एंड वेयर एंड टेयर प्रोसेस से ये जॉइंट्स ऑस्टियोआर्थराइटिस में अफेक्टेड होते हैं। नॉर्मली माय पेशेंट्स टेल मी कि मॉर्निंग में उठने पे हल्की सी जकड़न होती है और फिर ये चली जाती है, और जैसे जैसे वो काम करते हैं ये पेन बढ़ जाता है। ज़्यादा चलने से या सीढ़ियाँ चढ़ने से प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। कुछ लोग जिनके नीज़ ज़्यादा इफेक्ट होते हैं और वो बोलते हैं
कि वो नीज को बेंड करके नहीं बैठ पाते हैं, और जब वो नीज बेंड करते हैं तो बहुत पेन होता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जो इससे बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ आर्थराइटिस है और डिफरेंट एज ग्रुप में देखा जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारे जॉइंट्स की लाइनिंग को डैमेज करता है, उससे होने वाले आर्थराइटिस को रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी जो शुरुआत है 20 से 40 साल की उम्र में देखी गई है, और ये जो गठिया है फीमेल्स में मेल्स के कंपैरिजन अप्रॉक्सीमेटली 3 times तक ज़्यादा देखा जाता है। इससे जो लोग सफ़र करते हैं वो बताते हैं कि उनको मॉर्निंग में उठने के समय हाथों और जॉइंट्स में बहुत स्टिफनेस होती है, और ये स्टिफनेस उन लोगों में और भी ज़्यादा होती है जिनका आर्थराइटिस सीवियर होता है। आधे घंटे से लेके कहते हैं कि पूरे दिन हमें स्टिफनेस ही रहती है। इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं? जो हाथों के छोटे जॉइंट्स हैं, उंगलियों के, ये नकल्स, रिस्ट, शरीर के सारे बड़े जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग हैं, और इनका ट्रीटमेंट करने से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखा जा सकता है, क्योंकि ये बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है। इसको हम होम्योपैथी से ट्रीट करके बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट जो आर्थराइटिस के बारे में हम बात करेंगे वो है गाउट, यानी कि यूरिक एसिड से होने वाले गठिया के बारे में। यूरिक एसिड का नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी में 6.8 mg/dL से कम रहता है, पर किन्हीं कारणों से यूरिक एसिड हमारी बॉडी में बढ़ रहा है। या तो बॉडी में उसका बनना ज़्यादा हो गया है, या किडनीज छान कर यूरिक एसिड यूरिन में निकालती हैं तो वो कम हो गया है। सो फ्रेंड्स, अगर यूरिक एसिड बॉडी में ज़्यादा है तो आपको गाउट होने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। 80-85% लोगों में अक्यूट गाउट देखने को मिलता है। इसकी शुरुआत पाँव के बड़े अंगूठे में अचानक दर्द और सूजन से होती है। पेशेंट्स अक्सर बोलते हैं कि नाइट में सही सोए थे, पर मॉर्निंग उठते ही एकदम से ही पाँव सूजा हुआ था, अंगूठा लाल था और ज़मीन पर पाँव भी नहीं रख पा रहे थे। कुछ लोगों को बार बार अक्यूट गाउट अटैक होने के बाद एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक होने वाली गठिया जैसा बन जाता है, जो कुछ हद तक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा दिखने में लगता है, पर इसके साथ में यूरिक एसिड की बड़ी बड़ी गांठें बॉडी में कहीं भी देखी जा सकती हैं। यूरिक एसिड वाले आर्थराइटिस में देखा गया है कि ये मेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट मेनोपॉज होने के बाद इसके फीमेल्स एंड मेल्स में दिखने के चांसेस बराबर के हो जाते हैं। अब नेक्स्ट जिस आर्थराइटिस के बारे में हम बात करेंगे वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस। दोस्तों अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये वो गठिया है जो सोरियासिस से सफ़र करने वाले पेशेंट्स में होता है। सोरियासिस एक चमड़ी की ऑटो इम्यून बीमारी है, जिसके अंदर चमड़ी के अंदर में स्केल्स बनते हैं और इसमें घिसने से वो छिलके की तरह या स्केल्स की तरह बाहर निकलते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस फीमेल्स एंड मेल्स में जनरली देखने को मिलते हैं, और सोरियासिस से ग्रस्त लगभग 15-30% लोग सोरियाटिक आर्थराइटिस से ग्रस्त हो सकते हैं। बॉडी का कोई भी जॉइंट सोरियाटिक आर्थराइटिस से अफेक्ट हो सकता है, फिर चाहे वो उंगली का छोटा जॉइंट हो, चाहे वो बॉडी के बड़े जॉइंट हो जैसे कि नी जॉइंट या आपकी स्पाइन हो। इसी बेसिस पे सोरियाटिक आर्थराइटिस कौन से जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है, उस तरह से उसको नाम दिया जाता है। दोस्तों एट लास्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट आर्थराइटिस के बारे में, विच इज़ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस नॉर्मली मेल्स में फीमेल्स के कंपैरिजन 4-5 times लगभग ज़्यादा देखा जाता है, और ये कमर से या स्पाइन से स्टार्ट होता है। कमर के निचले भाग में इसका दर्द शुरू होता है, और इस दर्द के ऐसे क्या स्पेशल फीचर्स हैं जो हमें एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की तरफ गाइड करते हैं, चलिए ये जानते हैं। इसमें पेन रात को सोने के बाद ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में उठने के टाइम दर्द की वजह से कमर में बहुत स्टिफनेस होती है, और जैसे जैसे आप मूवमेंट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये पेन कम हो जाता है। धीरे धीरे ये दर्द कमर के निचले भाग से शुरू होकर ऊपर तक आता है, ये नेक को भी अफेक्ट कर सकता है। नेक को घुमाने में तकलीफ हो सकती है और नेक में स्टिफनेस भी हो सकती है। लगभग 30-40% लोग इस एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी में कमर और स्पाइन के अलावा जॉइंट्स में भी पेन और स्वेलिंग बताते हैं, और सबसे कॉमन है नी या आपके एंकल जॉइंट्स। जो पाँव के बड़े जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। कुछ लोगों में एंकल के नीचे, एंकल के पीछे भी पेन और स्वेलिंग हो सकती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में 25% लोगों की आइज़ में यूवाइटिस यानी कि आइज़ में रेडनेस, पेन और ब्लर्ड विजन भी हो सकता है,
और ये इस आर्थराइटिस का फर्स्ट सिम्टम भी हो सकता है, जिसके लिए हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आर्थराइटिस में काफ़ी आराम देती हैं। हमारी पहली मेडिसिन है एक्टिया स्पाइकेटा। अगर आपको सुबह उठने के बाद काफ़ी देर तक बॉडी जॉइंट्स में स्टिफनेस यानी अकड़न रहती है, जो एक रूमेटॉइड आर्थराइटिस का सिम्टम है, ऐसे सिम्टम्स होने पर एक्टिया स्पाइकेटा 30 बहुत काम करती है। हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टॉक्स। अगर फिजिकल वर्क करने के बाद आपको जोड़ों में दर्द होता है और जोड़ों में अकड़न होने लगती है, ऐसे केस को ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें रस्टॉक्स 30 बहुत आराम देती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज रोडोडेंड्रॉन। ये मेडिसिन भी ऑस्टियोआर्थराइटिस में बहुत लाभदायक है, स्पेशली रेनी सीजन एंड थोड़ा अगर हल्की सर्दी वाला मौसम है तो ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव होती है। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत सी मेडिसिंस हैं जो आर्थराइटिस में काफ़ी आराम देती हैं, बट एक बात का ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। अपने सिम्टम्स एंड केस हिस्ट्री आपको डॉक्टर के साथ डिस्कस करने हैं। डॉक्टर आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको मेडिसिंस प्रिस्क्राइब करेंगे। इसके लिए आप किसी भी नियरेस्ट होम्योपैथिक क्लिनिक में जाकर कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्ट करना है तो उसकी डिटेल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह से हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।